चलिए आइए हम लिखते हैं आज वुमेन इमेंसिपेशन पर, वुमेन एम्पावरमेंट पर। देखिए क्या कहता है, पहले हम बैकग्राउंड करते हैं एक औरत के बारे में, एक वीमेन के बारे में। उस बैकग्राउंड को हम अकेले आगे लेके जा रहे हैं, इसको हम कहीं भी यूज कर सकते हैं। देखिए आप, ऐसा कहा जाता है कि जो हाथ झूला झुलाते हैं एक दिन दुनिया पर शासन करते हैं। इस लाइन पर ऐसे डायरेक्ट आया था एक बार, आरजेएस में था। कौन सी आरजेएस थी वो तो मुझे याद नहीं है, लेकिन किसी आरजेएस में डायरेक्ट इसी को जो है ऐसे का रूप दे दिया था। तो देखिए आप, ऐसा कहा जाता है, वुमेन इमेंसिपेशन हमारा ऐसे है, ऐसे नंबर 7, 6 ऐसे हम लिख चुके हैं, 7 ऐसे चल रहा है। ये क्या कहता है, वुमेन इमेंसिपेशन कर लीजिए, एम्पावरमेंट कर लीजिए, एक ही मतलब है। इमेंसिपेशन का मतलब होता है मुक्ति। वुमेन को कितना एम्पावरमेंट किया जाए, कितनी ताकत दी जाए और क्यों दी जाए, ये हमारी कहानी का बैकग्राउंड है। पहले बैकग्राउंड को उठाते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते। देखिए ऐसा कहा जाता है, इट इज रिपोर्टेड, ये आपका इट इज रिपोर्टेड, क्या कहा जाता है, दैट क्या कहा जाता है, जो हाथ झूला झुलाते हैं। झूले को याद करिए, बच्चे का पालना, बच्चे के पालने को याद करिए, क्या बोलेंगे, दोज हैंड्स, हैंड्स का मतलब माँ के हाथ, दोज हैंड्स रॉक ए क्रेडल। क्रेडल कहते हैं बच्चे का पालना, जो बच्चे का झूला होता है वो क्रेडल कहता है, रॉक कहते हैं उसके हिलाने को, दोज हैंड्स रॉक ए क्रेडल। आगे दे रेन ओवर द वर्ल्ड, ये औरत पे लागू होता है, ये माँ पे लागू होता है। दे रेन, रेन ओवर अपन कर चुके हैं शासन करना, दे रेन ओवर द वर्ल्ड, वो दुनिया पर एक दिन शासन करते हैं। ये जो आपकी लाइन है, ये मदर पर, औरत पर, स्पेशली मदर पे लागू होती है। अब बैकग्राउंड ला रहे हैं पहले पैराग्राफ में, इट इज रिपोर्टेड दैट दोज हैंड्स रॉक ए क्रेडल, जो हाथ झूला झुलाते हैं, दे रेन ओवर द वर्ल्ड, वो दुनिया पर एक दिन शासन करते हैं, रिजीव करते हैं, वो दुनिया को रूल करते हैं। इनडायरेक्टली माँ भी रूल करती है एक अपनी औलाद के रूप में। फिर नारी की अहमियत को समझते हुए नेपोलियन बोनापार्ट ने कहा था, यदि तुम मुझे योग्य माता दोगे तो मैं तुम्हें योग्य राष्ट्र दूंगा। नारी की अहमियत को समझते हुए, हैविंग को यूज करेंगे आप, हैविंग काफी बार यूज कर चुके हैं, हैविंग मेड आउट, मेड आउट इज आवर फ्रेजल वर्ब, हैविंग मेड आउट, या दूसरा कर सकते हैं आप अंडरस्टूड, अंडरस्टूड इज ए कॉमन वर्ड, मेड आउट इज ए फ्रेजल वर्ब। Having made out, significance of having made out, अहमियत उर्दू का वर्ड है, इसको हम इंग्लिश से कनेक्शन ले रहे हैं, सिग्निफिकेंस, सिग्निफिकेंस ऑफ मदर, सिग्निफिकेंस यानी अहमियत, यानी अहम जो उसकी इम्पोर्टेंस होती है ऑफ ए वुमेन, एक औरत को अहमियत देते हुए। नेपोलियन ने भी कहा था, नेपोलियन भी एक मदर से पैदा हुआ, तो उसने मदर के लिए क्या कहा वो देखिए, Having made out understood significance of a woman, एक औरत की अहमियत एक माँ की बहन ने वो समझते हुए, क्या कहा था नेपोलियन बोनापार्ट ने, नेपोलियन बोनापार्ट हैड सेड, नेपोलियन बोनापार्ट ने कहा था, क्या कहा था, इसकी कंडीशन को फॉलो करवाएगा नेपोलियन, नेपोलियन बोनापार्ट हैड सेड, नेपोलियन बोनापार्ट ने कहा था, क्या कहा था, देखिए आप, इफ क्या दोगे, उसका डायलॉग एक तरीके से आपका बेस बनेगा। क्या कहा था, इफ यू गिव मी कैपेबल मदर, यदि तुम मुझे योग्य माँ दोगे, इफ यू गिव मी, इफ की कंडीशन फॉलो करवा रहे, अगला इफ यू गिव मी ए कैपेबल, इफ यू गिव मी ए कैपेबल मदर, यदि आप मुझे एक योग्य माँ देंगे, यदि आप मुझे कैपेबल मदर देंगे, आई विल गिव यू अ रोबस्ट नेशन, तो मैं तुम्हें एक सशक्त राष्ट्र दूंगा, मैं तुम्हें एक मजबूत राष्ट्र दूंगा, आई विल गिव यू ए रोबस्ट नेशन, आई विल गिव यू ए रोबस्ट नेशन, ये नेपोलियन ने कहा, वो आपकी जीजाबाई और जोधाबाई पे लागू होगा पहले वाला। इट इज रिपोर्टेड दैट दोज हैंड्स रॉक ए क्रेडल, जो हाथ झूला झुलाते हैं, दे रेन ओवर, वो शासन करते हैं द वर्ल्ड, दुनिया पर। हैविंग मेड आउट अंडरस्टूड सिग्निफिकेंस ऑफ ए वुमेन, एक औरत की अहमियत को समझते हुए, नेपोलियन बोनापार्ट हैड सेड, नेपोलियन बोनापार्ट ने कहा था, इफ यू गिव मी ए कैपेबल मदर,
यदि तुम मुझे योग्य मां दोगे, आई विल गिव यू अ रोबस्ट नेशन, मैं आपको एक शक्तिशाली राष्ट्र दूंगा। औरत के किसी भी ऐसे में रोटेशन डाल देना, इसका कोई मना नहीं करेगा, मैं औरत का रोटेशन लेगा किसी भी वे में। आगे देखिए देखिए, आई विल गिव यू रोबस्ट नेशन। फिर क्या कहता है, हमारे शास्त्रों में कहा जाता है, वही पुरानी बात, हमारे शास्त्रों में कहा जाता है, इट इज रिपोर्टेड इन आवर स्क्रिप्चर्स, इट इज रिपोर्टेड, ऐसा कहा जाता है, इट इज रिपोर्टेड, क्या कहा जाता है, इन आवर स्क्रिप्चर, हमारे शास्त्रों में, स्क्रिप्चर, ये हमारे शास्त्रों में कहा जाता है। क्या कहा जाता है वो हम काफी बार पढ़ चुके हैं, लेकिन आज ऐसे के पॉइंट ऑफ व्यू में, दैट देयर ए वुमेन इज वर्शिप्ड, ये जहां पर औरत की पूजा होती है, दैट देयर, पैसिव में सेंटेंस जा रहा है, देयर इज ए वुमेन वर्शिप्ड, देयर इज ए वुमेन वर्शिप्ड, वुमेन वर्शिप्ड, जहां औरत की पूजा होती है, देयर इज ए वुमेन वर्शिप्ड, या इसको वैसे लिखो, पैसे में लिखना है सेंटेंस, देयर से नहीं शुरू करना, वुमेन से शुरू करो, ए वुमेन इज वर्शिप्ड देयर, सेंटेंस ऐसे ही सेट होगा, ए वुमेन इज वर्शिप्ड देयर, जहां पर औरत की पूजा होती है, वो इस संस्कृत का श्लोक, वो भी यूज कर सकते हैं आपको याद हो तो, ए वुमेन इज वर्शिप्ड देयर, जहां पर औरत की पूजा होती है वहां पर क्या होगा, वहां पर आपका भगवान रहते हैं, भगवान रहते हैं, वेयर गॉड प्रिवेल्स, ऐसा हम कहते हैं, वो आपके एक संस्कृत का भी डायलॉग है, वो भी याद हो तो आप अच्छी खासे से मेंशन कर सकते हैं। जैसे हमने ऐसे की शुरुआत हिंदी की चार लाइनों से की, नारी बोता दी है किसी गुलाब की, वह तो खुद बागवान है इस कायनात की, कितनी प्यारी लाइन है, कितनी प्यारी अट्रैक्शन देती है, देखिए आप, वहां देवता रहते हैं, इस प्रकार नारी विधाता की अतुलनीय और अद्वितीय रचना है, अंडरलाइन कर लो, इस प्रकार नारी विधाता की अतुलनीय और अद्वितीय रचना है, अतुलनीय प्योर हिंदी का वर्ड, अद्वितीय प्योर हिंदी का वर्ड, बोलने में बहुत खूबसूरत, इन दिस वे ए वुमेन इज, बहुत अच्छा लाइन, इन दिस वे ए वुमेन इज, एक औरत क्या है, एक औरत आपकी अतुलनीय और अद्वितीय रचना है, इज इनक्रेडिबल एंड इनडोमिटेबल क्रिएशन ऑफ द वर्ल्ड मेकर, इज इनक्रेडिबल, बड़ा प्यारा वर्ड है, इनक्रेडिबल, अविश्वसनीय, अतुलनीय एंड अद्वितीय, इनडोमिटेबल, रोज आ रही तो इनडोमिटेबल, क्या है, रचना है, क्रिएशन, एक सृष्टि है, रचना है, सृजन है, क्रिएशन ऑफ द वर्ल्ड मेकर, क्रिएशन ऑफ द वर्ल्ड मेकर, सेंटेंस को समझो, पैरा को समझे, सेकंड पैरा की मूव करते हैं, क्या करें, हमारा पहला पैरा, इट इज रिपोर्टेड दैट दोज हैंड्स रो किक रेडल, जो हाथ झूला झुलाते हैं, दे रेन ओवर द वर्ल्ड, वो दुनिया पर शासन करते हैं, हैविंग मेड आउट अंडरस्टूड सिग्निफिकेंस ऑफ ए वुमैन, एक औरत की अहमियत को समझकर, नेपोलियन बोनापार्ट हैड सेड, इफ यू गिव मी ए कैपेबल मदर, यदि आप मुझे योग्य माँ देंगे, आई विल गिव ए रोबस्ट नेशन, मैं आपको एक शक्तिशाली राष्ट्र वापस रिटर्न करूंगा, इट इज रिपोर्टेड, ऐसा कहा जाता है इन आवर स्क्रिप्चर्स, हमारे ग्रंथों में, दैट ए वुमेन इज वर्शिप्ड देयर, जहां पर औरत की पूजा होती है, वेयर गॉड प्रिवेल्स, वहां पर देवता रमते हैं, देवता प्रिवेल करते हैं, वहां पर देवता रहते हैं, ऐसा कहा जाता है, और सही भी है, गलत नहीं है, इन दिस वे वुमेन इज इनक्रेडिबल एंड इनडोमिटेबल क्रिएशन ऑफ द वर्ल्ड मेकर, इस प्रकार एक औरत अतुलनीय और अद्वितीय है, दोनों आई पर, दोनों ए पर, बहुत सुंदर लगता है, इनक्रेडिबल आपका अविश्वसनीय, अतुलनीय और इनडोमिटेबल अद्वितीय है, दोनों आई पर, जिसकी कोई बराबरी नहीं, ऐसा क्रिएशन है, ऐसा सृजन है, ऐसी कृति है, ऐसा निर्माण है, ऐसा उसका क्रिएशन है, ऑफ द वर्ल्ड मेकर, किसका, विधाता का, क्लियर, पहला पैरा बहुत अच्छा, कहीं भी यूज हो सकता है, रामबाण पैरा है, यूज करने का हमारा तरीका, नारी मजबूत सामाजिक संरचना का अक्ष है, सही बात है, मजबूत सामाजिक संरचना डिपेंड किस पे होती है, एक औरत पर, क्योंकि वुमेन एम्पावरमेंट है, तो औरत को ही हमें सशक्त बनाना है, उसको ही हमें हाईलाइट करना है, तो देखिए नारी क्या है, मजबूत सामाजिक संरचना का अक्ष है, यानी इसके बिना आप सोच ही नहीं सकते हमारा सोशल स्ट्रक्चर क्या होगा, वुमेन इज पाइवटल ऑफ सेलुबिनिया सोशल स्ट्रक्चर,
वुमेन इज पाइवटल, पहली बार आ रहा है, वेलकम करो। पाइवटल का मतलब अक्ष, यानी जिस पर सब कुछ टिका हुआ है, दैट इज अक्ष। वुमेन इज पाइवटल ऑफ, किसकी पाइवटल है ये? ये पाइवटल है ऑफ सेलुब्रियस सोशल स्ट्रक्चर, ऑफ सेलुबीरियस, सेलुबीरियस आपका मजबूत, सेलुबीरियस सोशल स्ट्रक्चर, सेलुबीरियस सोशल स्ट्रक्चर, एक सामाजिक आपका मजबूत सामाजिक ढांचा है, उसका ये अक्ष है, उसका ये धुरी है। और क्या है, एक जहां एक नारी समाज का दर्पण और नींव का पत्थर होती है, फिर आप उसको अप्रिशिएट करें। ए वुमेन इज मिरर, एक नारी, एक औरत, ए वुमेन इज मिरर, एक दर्पण है, एक आईना है, मिरर एंड कॉर्नर स्टोन। मैंने कहा था ना पॉजिटिव वर्ड को एक साथ ले सकते हैं आप, मिरर एंड कॉर्नर स्टोन, नींव का पत्थर भी वही है, मिरर भी वही है, दोनों पॉजिटिव वर्ड है, दोनों जोड़ दो, तीन जोड़ दो, चार जोड़ दो। एंड कॉर्नर स्टोन ऑफ सोसाइटी, समाज का दर्पण है, नींव का पत्थर है, कॉर्नर स्टोन ऑफ सोसाइटी, समाज के नींव का पत्थर है, पहला प्लस पॉइंट, दूसरा प्लस पॉइंट। और क्या है, बढ़ाई करते चलिए आप, और क्या है, देखिए जो संस्कृति परंपरा और धरोहर को पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित करती है, बहुत अच्छे तीन वर्ड, संस्कृति परंपरा और धरोहर, तीन अच्छे हिंदी के वर्ड, तीन इंग्लिश के अच्छे वर्ड। पहला वर्ड है संस्कृति, दूसरा है परंपरा, तीसरा है धरोहर, उसको स्थानांतरित करती है पीढ़ी दर पीढ़ी। सही बात है, दादी से माँ में आया, माँ से आगे चला, हु ट्रांसफर्स, जो पीढ़ी दर पीढ़ी ट्रांसफर करती है, क्या क्या ट्रांसफर करती है। पहला वर्ड देखिए आप, पहला वर्ड है कल्चर, संस्कृति, संस्कृति को ट्रांसफर करती है वो। दूसरा कस्टम्स, परंपराओं को ट्रांसफर करती है वो, दादी से आया मदर में, मदर से आया वाइफ में, वाइफ से जाएगा आगे, वही तो कल्चर देता कौन है। एंड विरासत एंड हेरिटेज, तीन वर्ड पॉजिटिव बहुत, एंड हेरिटेज, आज जो भी हमने सीखा हमारे बैकग्राउंड का असर है। आपने कल्चर, कस्टम और हेरिटेज को स्थानांतरित करती है, कैसे, पीढ़ी दर पीढ़ी, फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन, फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन, कहां से, पीढ़ी दर पीढ़ी। कई बार लगता है पता नहीं कैसा प्रेजेंटेशन आएगा, लेकिन यदि आपका पहले लिख रखा है तो इतना जोर ही नहीं आता है, लिखा हुआ है तो प्रॉब्लम ही नहीं है। पीढ़ी दर पीढ़ी किस चीज को ट्रांसफर करती है, पहला है कल्चर, दूसरा है कस्टम, तीसरा है हेरिटेज, कल्चर कस्टम हेरिटेज, कल्चर कस्टम हेरिटेज, संस्कृति परंपराएं और विरासत। हिंदी के भी तीन अच्छे वर्ड आपके कवर हो रहे हैं, और वो एक विराट स्वरूप है, देखो कितनी प्यारी लाइन है, वो एक विराट स्वरूप है, विराट स्वरूप हिंदी में बोलने में कितना प्यारा लगता है, विराट स्वरूप है, शी इज एन विराट, बहुत ही विशाल, कहने में माँ है पर कितना गहरा बल है, इनॉर्मस स्वरूप है, एपिटॉम। यदि आपका लिखा हुआ है ना वो वक्त पे याद आ ही जाएगा, एपिटॉम। हिंदी कितनी प्यारी चल रही है, अंग्रेजी का तो पता नहीं, हिंदी अच्छी चल रही है। शी इज एन इनॉर्मस एपिटॉम, वो एक विराट स्वरूप है, बहुत बड़ा स्वरूप है, माँ के रूप में, बेटी के रूप में, बहन के रूप में, औरत के रूप में, एक लीडर के रूप में, कोई विराट स्वरूप है। एक औरत को महिमा मंडित कर रहे हैं अपन, ग्लोरीफाई कर रहे हैं उसको, डिग्रीफाई कर रहे हैं। और एंड आगे की लाइन देखो, जिसके आगे विधाता को भी नतमस्तक होना पड़ता है, विधाता को भी, ऊपर वाले को भी, भगवान को भी नतमस्तक होना पड़ता है। एंड गॉड हैज टू, मजबूरी पे आ जाओ, हैज टू, झुकाओ करो नतमस्तक, झुका दो सिर को, ये हो गया हमारा नतमस्तक बाव, इसको बाव कहते हैं, सिर झुकाने को, दिस इज बाव। जब आप इसको वो बोलोगे तो धनुष हो जाएगा, जब आप ये बोलोगे सिर झुकाना हो जाएगा, नतमस्तक होना। गॉड हैज टू, भगवान को भी, विधाता को भी, वर्ल्ड मेकर को भी सिर झुकाना पड़ता है, क्योंकि विराट स्वरूप है। सेंटेंस की लाइनें देखिए आप कितनी खूबसूरत चल रही है, द गॉड हैज टू बाउ, विधाता को भी सिर झुकाना पड़ता है बिफोर हर, उसके सामने, एक माँ के रूप में, एक बेटी के रूप में, एक बहन के रूप में, उसके सामने, ऊपर वाले को भी, चाहे कृष्ण हो चाहे राम हो, सिर तो झुकेगा क्योंकि वो एक औरत है। नेक्स्ट आइए, इतिहास इस सत्यता की गवाही देता है, इतिहास इस सत्यता की गवाही देता है
हिस्ट्री विटनेसेस दिस ट्रूथ, इतिहास इस सत्यता को वेरीफाई करता है। हिस्ट्री विटनेसेस दिस ट्रूथ, इतिहास इस चीज की गवाही देता है। किस चीज की गवाही देता है, सेंटेंस की गहराई पर आइए, क्या कहना चाहता है, हिंदी इंग्लिश दोनों शानदार चल रही हैं। दैट क्या, किस चीज की गवाही देता है कि देखिए, एक नारी ने महान लोगों का निर्माण किया था। जितनी भी महान आदमी आए, सब औरत के सैक्रामेंट से आए। ए वुमेन हैड कार्ड, कार्ड यदि निर्माण करना, सृजन करना, बड़ा अच्छा वर्ड है कार्ड। एक औरत ने निर्माण किया था, किसका निर्माण किया था, बड़े लोगों का, द ग्रेट पीपल, बड़े लोगों का निर्माण किया था, द ग्रेट पीपल या ग्रेट पीपल का निर्माण किया था, महान लोगों का निर्माण किया था, क्योंकि वो क्या है, वो एक विराट स्वरूप है, इनॉर्मस एपिटोम है, वो इतनी बड़ी एपिटोम है वो, कि विधाता को भी उसके सामने सिर झुकाना पड़ता है, राम के रूप में, कृष्ण के रूप में। वो उसका कद भी विधाता का भी बड़ा नहीं हो सकता, एक मदर से, एक स्त्री से, एक औरत से, किसी भी वे में। फिर जीजाबाई और पन्ना जैसी वीरांगनाओं ने नारी शक्ति का साक्षात रूप थी, सही बात है। वहीं पे लारे खानी को जीजाबाई एंड पन्ना धाय, जीजाबाई एंड पन्ना धाय, दो एग्जाम्पल लेंगे, ज्यादा नहीं बनेंगे, ज्यादा बनने से मेला हो जाता है। एग्जाम्पल ठीक ठाक एक आधा, क्योंकि अपन को प्रोलिज्म नहीं करना है, प्रोलिक्स नहीं करना है उसको। पन्ना धाय क्या थी, साक्षात रूप थी, वर थी, अब तो है नहीं, वर क्या थी, एपिटम ऑफ वुमेन पावर। वीरांगनाओं का, पन्ना धाय जैसी वीरांगनाएं नारी शक्ति का साक्षात रूप थी, जीजाबाई एंड पन्ना धाय वर एपिटम वही लेगी, इसका एक और वर्ड है, एपिटमी ऑफ किसका साक्षात रूप थी, नारी शक्ति का, वुमेन पावर, वुमेन पावर का साक्षात रूप थी। दो एग्जांपल आई थिंक मोर देन सफिशिएंट। नेक्स्ट बढ़िए, प्राचीन समय में औरतों को अति प्रतिष्ठा देवियों की तरह पूजा जाता था। ये चलते हैं बैकग्राउंड में, प्राचीन समय में औरतों को पूजा जाता था, यूज टू का यूज करेंगे यहाँ पर, यूज टू लिखना हैड भी जमेगा नहीं, क्योंकि रेगुलर आदत थी, इसलिए यूज टू को कॉल करेंगे। प्राचीन समय में द वीमेन यूज टू, औरतों को पूजा जाता था, द वुमेन यूज टू बी, पैसे में चलोगे क्योंकि पूजने वाले का पता नहीं है, द वीमेन यूज टू बी वर्शिप्ड, पूजा जाता था किसके द्वारा, हमें पता नहीं और पता भी नहीं रखना है, पैसे में चलते हैं, वर्शिप्ड या नोर भी कर सकते हैं, किसके साथ, अति प्रतिष्ठा के साथ, ऐसे नहीं को दिखावा कर रहे हो, विथ एक्सेसिव डिग्निटी, जैसे आज भी नवरात्र में बुलाते हैं लड़कियों को, एक्सेसिव डिग्निटी, गार्गी को याद कर लो, एक्सेसिव डिग्निटी। उसके बाद अकिट टू गॉडेस, देवियों की तरह, ऐसा नहीं को छोटा मोटा पद दे रखा है, अकिट टू गॉडेस इन एंशियंट टाइम, इन एनिशियन टाइम, प्राचीन समय में, द वुमेन यूज टू बी वर्शिप विद एक्सेसिव डिग्निटी अकिन टू गॉडेस इन एनिशियन टाइम, प्राचीन समय में देवियों की तरह, अब पूरी प्रतिष्ठा के साथ एक औरत को पूजा जाया करता था, पूजा जाता था, यूज टू आ रहा है, और वे समाज में अति महत्वपूर्ण स्थान रखा करती थी, दे यूज टू कीप ए प्रेस्टिजियस प्लेस इन सोसाइटी, दे यूज टू का यूज होगा यहाँ पर, रखा करती थी, दे यूज टू कीप, रखा करती थी, क्या, एक प्रतिष्ठित स्थान, प्रेस्टिजियस प्लेस, और कंटेंट के साथ साथ वोकैब बहुत तेजी से, प्रेस्टिजियस प्लेस, एक रखा करती थी, क्या रखा करती थी, समाज में, इन सोसाइटी, समाज में एक प्रतिष्ठित जो जगह है वो रखा करती थी समाज में, दे यूज टू कीप ए प्रेस्टिजियस प्लेस इन सोसाइटी, वो समाज में एक प्रतिष्ठित प्लेस रखा करती थी, एक क्यों, क्योंकि उनको पूजा जाता था गॉडेस की तरह, देवियों की तरह। सेंटेंस के वो आपके कंटेंट बहुत शानदार चल रहे हैं, फिर क्या हुआ आगे की, मगर विदेशी घुसपैठ के कारण औरतें सामाजिक शिकंजे में कैद की जाने लगी, लगी पर आ गया, टेंस नहीं है भाई, द वुमेन बिगेन टू बी, रूल की जगह रूल, टेंस की जगह टेंस, द वीमेन
बिगेन टू बी, या बिगेन टू आएगा, बिगेन टू बी, बिगेन टू बी आ गया तो थर्ड हमारी आ रही है, क्योंकि पैसिव में आप बिगेन टू बी कन्फाइंड, कन्फाइंड किसका, अरे इसमें ये आएगा कन्फाइंड, कैद की जाने लगी इन सोशल क्लच, सामाजिक शिकंजे में, इन सोशियल क्लच। मुझे लगता है सैरोगेसी पे भी ऐसे आ सकता है, सैरोगेसी भी उठाने में हूं मैं, आर्टिकल सैरोगेसी मुझे अच्छा पॉइंट लगा, बड़ा खूबसूरत पॉइंट है जो ओरस से रिलेटेड है। सैरोगेसी पे भी अपन ऐसे जल्दी लेते हैं, या तो अगली बार ये लेते हैं कोई सा, सैरोगेसी पे भी ऐसे मुझे लग रहा है बहुत अच्छा आ सकता है, क्योंकि टॉपिक बहुत प्यारा लगा मेरे को। द वुमेन बिगेन टू कन्फाइंड इन सोशल क्लच, औरतों को सामाजिक जकड़े, सामाजिक क्लच में जकड़ा जाने लगा, कैद किया जाने लगा, ड्यू टू फॉरेन इन्फिल्ट्रेशन, विदेशी घुसपैठ के कारण, तब तक सब कुछ ठीक था, ड्यू टू फॉरेन इन्फिल्ट्रेशन, वो बाहर से लोग आए, उन्होंने सारी कहानी को यहां बिगाड़ दिया, नहीं तो क्या इज्जत थी। आपने वो फिल्म देखी होगी पद्मावत, उसमें भी क्या रेपुटेशन थी औरतों की, क्या डिग्री थी औरतों की, उसके बाद खराब हुआ, फिर क्या हुआ देखो, उनको स्पर्धा प्रथा और सती प्रथा जैसी सामाजिक अभिशाप का सामना करना पड़ा था, फिर आ जाओ आप मजबूरी में, दे हेड टू पे आओगे आप, देखो किसी भी लाइन में टेंस नहीं आ रहा है, टेंस आया ही नहीं अभी तक, दे हैड टू फेस, दे हैड टू फेस, क्या सामना करना पड़ा उनको, सामना करना पड़ा वेल एंड कंट्रीब्यूशन सिस्टम, वेल क्योंकि वो आए क्योंकि उनके तो बुरका था, उन्हें कहा तुम भी पहनो और सती हो जाओ, क्योंकि उनके कारण युवा नहीं तो था ही कहां पर, सती प्रथा थी ही नहीं। कंक्रीमेशन सिस्टम यानी औरत का दबना इन प्रथाओं ने चालू किया, औरत का सप्रेसिंग हुआ इन कुरूतियों के कारण हुआ, कि औरत को सिंबल कैसे किया जाएगी, तेरे को दबाना है, करो पर्दा, तुम घूंघट के बाहर नहीं आ सकती, कंक्रीमेशन जल जाओ, क्योंकि तुम्हारा वजूद तुम्हारे पति तक ही सीमित है, यू कैन नॉट लिबरेट ए लिबरल लाइफ, जड़ो पति के साथ कंक्रीमेशन होगा तुम्हारा, और दे वुड हैव फ्लैप्ड टू सेव देयर एग्जिस्टेंस, वो अपने अस्तित्व के लिए फड़फड़ा सकती थी, किसी भी लाइन में टेंस नहीं आया, ये देखो आप किसी भी लाइन में अभी तक पूरा पैरा हो गया, टेंस कहीं नहीं आया, दे वुड हैव फ्लैप्ड, दे वुड हैव फ्लैप्ड, वो फड़फड़ा सकती थी, केवल फ्लैपिंग कर सकती थी, कांट फ्लाई, ये भी एक अच्छी लाइन है, कहीं भी रोटेट होगी, दे वुड हैव फ्लैप्ड, वो फड़फड़ा सकती थी, काहे के लिए, अपने अस्तित्व को बचाने के लिए, टू सेव दियर एग्जिस्टेंस, सेव दियर एग्जिस्टेंस, पूरे पैरा में कहीं पर भी हमने टेंस का यूज नहीं किया है, वो आप थोड़ा कंसिडर करें। द वुमेन यूज टू बी वर्शिप, औरत की पूजा होती थी, विथ एक्सेसिव डिग्निटी, अत्यधिक इज्जत के साथ, अकिन टू गोडेस, देवियों की तरह, इन एंशियंट टाइम, प्राचीन समय में, They used to keep a prestigious place in society. वो समाज में एक प्रतिष्ठित प्लेस रखा करती थी। The women began to be confined in social clutch. औरत को सामाजिक उसमें लिया जाने लगा। Due to foreign infiltration, विदेशी घुसपैठ के कारण, they had to face, करना पड़ा था क्या? Veil and contribution system, पर्दा and सती प्रथा, veil system, घूंघट प्रथा, concremation, साथ जलना, सती प्रथा, दे वुड हैव, कर सकती थी फ्लैप, फड़फड़ा सकती थी, टू सेव दियर एग्जिस्टेंस, अपने अस्तित्व को बचाने के लिए। कंटेंट बहुत अच्छा है, औरत के किसी भी ऐसे में घुमा, चाहे आपका वो सेक्सुअल हैरेसमेंट एक्ट आ जाए, आपका वुमेन इमेंसिपेशन आ जाए, आपका एक्सप्लोटेशन आ जाए, मलेस्टेशन आ जाए, औरतों की शिक्षा आ जाए, कहीं पर भी कंटेंट सेम घूमता है, बस थोड़ा सा हेर फेर करना है, वो हम करने में धीरे धीरे एक्सपर्ट हो रहे हैं। चलिए सेकंड पर, पार्ट सेकंड पर आइए, ये क्या कहता है। नारी तुम केवल श्रद्धा हो, विश्वास रजत नग पक्तल में, पीयूष रोशनी बहा करो, जीवन के सुंदर समतल में, हिंदी में छाप देना काम हो जाएगा। इतिहास ही सत्यता की गवाही देता है, फिर सत्यता गया, स्टीव स्नेडर दिस वेरासिटी, मातृत्व किया था, यहाँ थोड़ा सा चेंज, यदि आपके लिखने की आदत डेवलप हो गई ना, फिर ये बहुत आसान है। विटनेसेस गवाही देता है किसकी, इस सत्यता की, दिस वेरासिटी, This veracity, वहां truth किया था या veracity करेंगे, सत्यता, history witnesses this veracity,
इस सत्यता की गवाही देता है क्या कि प्राचीन काल में नारियां अति विशिष्ट स्थान रखती थी। ये लाइन लिख ली अपन ने, लेकिन लिख लो क्योंकि ऐसे कनेक्ट ले रहा है। द वुमेन यूज टू कीप एक्सेसिव स्पेसिफिक प्लेस इन एनिशियंट टाइम। द वुमेन यूज टू कीप लिखेंगे तो अच्छा रहेगा, नहीं लिखेंगे तो भी अच्छा रहेगा, कोई दिक्कत नहीं। यूज टू कीप क्या करती थी, वो करती थी आपका एक्सेसिव स्पेसिफिक प्लेस, अत्यधिक एक्सेसिव स्पेसिफिक प्लेस। अशोक कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है डे बाई डे, देखो अभी तक वहां पहुंचते पहुंचते कितना गजब कॉन्फिडेंस हो जाएगा। इन एनिशियंट टाइम और क्या है, मगर विदेशी घुसपैठ और उनके अत्याचारों ने भारतीय नारी को एक अति दयनीय दशा में पहुंचा दिया था। देखिए द फॉरेन इंट्रूजन, वर्ड को चेंज कर दिया, विदेशी घुसपैठ, द फॉरेन इंट्रूजन, यहां पर इंट्रूजन यूज करेंगे, वहां पर इन्फिल्ट्रेशन, इंट्रूजन, विदेशी घुसपैठ, द फॉरेन इंट्रूजन एंड दियर अप्रेशन, और उनका अत्याचार, एंड दियर अप्रेशन, उनका अत्याचार क्या पहुंचा दिया था, हैड बोट अप्रेशन अत्याचार। इस वर्ग को मैं डाला है, सैरोगेसी भी काम में लेंगे इसको, सैरोगेसी भी ले जा रहा हूं मैं, सैरोगेसी लिया, एआई ले, पहले कौन सा लेते हैं देखते हैं। हैड ब्रॉट एन इंडियन वुमेन, हैड ब्रॉट एन इंडियन वुमेन, इंडियन वुमेन टू, अत्यधिक दयनीय दिशा में, ब्रॉट टू का मतलब पहुंचा देना, टू एक्सेसिव मिजरेबल कंडीशन, टू एक्सेसिव मिजरेबल मिजरेबल कंडीशन, अत्यधिक दयनीय दशा में पहुंचा दिया था। ये लिखते लिखते आप ऐसे एक्सपर्ट हो जाओगे। और एपीओ के लिए मैं डेट सर्टिफिकेट गारंटी देता हूँ 50 में 50 निकाले, क्योंकि पेपर उसका सिलेबस बड़ा खतरनाक सेट किया है इन्होंने, बहुत गजब वर्ड दे दिया, अरर दे दी, और क्या दे दिया, और भी कुछ नया डाल दिया उसमें, प्रीमी डाल दिया, अरर, अरर के नाम से दूसरी दुनिया, अरर पता नहीं क्या होगा, अपन करवाएंगे अरर बिल्कुल। तो देखिए आप, इंडियन वुमेन एक्सेसिव मिजरेबल कंडीशन, सामाजिक कुरीतियां और परंपरागत रूढ़िवादिता, परंपरागत रूढ़िवादिता ने औरत के अस्तित्व को तार तार कर दिया था। ये थोड़ा वर्ड नया है, तार तार कर देना, इस पे थोड़ा हम रुक कर इसे याद करेंगे। द सोशल इविल्स, सामाजिक कुरूतियां, सोशल इविल्स एंड दूसरा वर्ड उठाओ, एंड परंपरागत रूढ़िवादिता, ट्रेडिशनल ऑर्थोडॉक्सी, ट्रेडिशनल परंपरागत ऑर्थोडॉक्सी, रूढ़िवादिता, ऑर्थोडॉक्सी, क्या कर दिया इसने, इसने जो है औरत के अस्तित्व को तार तार कर दिया, हैड ब्लोन अवे। इस वर्ड को थोड़ा सा अंडरलाइन कर लो, पहली बार आ रहा है इसलिए, ब्लोन अवे का मतलब होता है तार तार कर देना, काफी जगह यूज करेंगे अपन, यूथानेशिया में भी डाल सकते हो ब्लोन अवे। कहीं पर भी हमें किसी की दुर्दशा को शो करना हो, तार तार कर दिया, तो ब्लोन अवे थोड़ा सा दिमाग में अच्छा रहेगा, नहीं तो वर्ड तो फिर आप इधर उधर का ले आना, ऐसा कुछ नहीं है। ब्लोन अवे यानी तार तार कर दिया, क्यों क्यों तार तार हो गया, किसको तार तार किया, एग्जिस्टेंस ऑफ ए वुमेन, औरत के अस्तित्व को, एग्जिस्टेंस ऑफ ए वुमेन, एक औरत के अस्तित्व को तार तार कर दिया, तार तार, हिंदी का मुहावरा अंग्रेजी से कनेक्शन ले रहा है। और सामाजिक ढांचे ने नारी की स्वतंत्रता को छीन लिया था, बोले साहब अब तो तुम कुछ कदी करती हो, रूढ़ दकियानूसी सामाजिक ढांचे ने, द पैरोकियल सोशल स्ट्रक्चर, पैरोकियल, ये देखो ये वर्ड पहले भी घूम रहे थे आज भी घूम रहे हैं, पैरोकियल सोशल स्ट्रक्चर है, सोशल स्ट्रक्चर, हैड क्या कर लिया, सीज्ड कर लिया, सीज्ड किसको सीज किया, वो देखिए आप, सीज्ड ए वुमेन्स लिबर्टी, एक औरत की स्वतंत्रता को, क्योंकि पहले तो वो थी नहीं स्लेव, वुमेन्स लिबर्टी,
औरत की स्वतंत्रता को एक रूढ़िवादी समाज ने छीन लिया था, सीज कर लिया था, इम्पाउंड कर लिया था एंड वह पूर्ण रूप से पुरुष प्रधान समाज पे आश्रित हो गई थी। शी हैड डिपेंडेंट ऑन मेल डोमिनेटेड सोसाइटी। कहानी गुजर गई अलग वे में। शी हैड डिपेंडेड ऑन मेल डोमिनेटेड सोसाइटी। मेल डोमिनेटेड सोसाइटी थरोली। वो पूर्ण रूप से एक पुरुष प्रधान समाज पे आश्रित हो गई थी। वुमेन जो आपका ऐसे जा रहा है वुमेन इमेंसिपेशन और एम्पावरमेंट की तरफ, लेकिन बैकग्राउंड को इस कहानी बनाते हुए आगे खींचेंगे कि आप इसको लेकर कहाँ जाएं। हिस्ट्री विटनेसेस दिस वेरासिटी। इतिहास इस बात की गवाही देता है, सत्यता की गवाही देता है। द वुमेन यूज टू कीप एक्सेसिव स्पेसिफिक प्लेस इन एंशिएंट टाइम। औरत प्राचीन समय में एक विशिष्ट जगह रखा करती थी। द फॉरेन इंट्रूजन विदेशी घुसपैठ एंड दियर ऑपरेशन उनका अत्याचार had brought an Indian woman to excessive miserable condition. उसने एक भारतीय महिला को अत्यधिक दयनीय दशा में पहुंचा दिया था। The social evils, सामाजिक बुराइयां and traditional orthodoxy, आपका traditional orthodoxy, परंपरागत रूढ़िवादिता, इसको नाउन बनाइए orthodoxy, had blown away, तार-तार कर दिया था किसको, existence of a woman, एक औरत के अस्तित्व को। द पैरोकियल सोशल स्ट्रक्चर, रूढ़िवादी सामाजिक ढांचा, हैड सीड छीन लिया था ए वुमेन्स लिबर्टी, एक औरत के स्वतंत्रता को। शी हैड डिपेंडेड ऑन, इसीलिए शी हैड डिपेंडेड ऑन मेल डोमिनेटेड सोसाइटी थरोली। वो पूर्ण रूप से इस पर आश्रित हो गई थी। आइए कुछ और एग्जाम्पल लेते हैं। हम हमारे इतिहास को लेते हुए औरत की गरिमा को डिग्निफाई और ग्लोरीफाई करते हुए इस बेस को बहुत स्ट्रॉन्ग बनाते हैं। इंट्रोडक्शन इसका शानदार, आगे बिरकानी घूम रही है। रानी लक्ष्मीबाई और चांद बीबी जैसी वीरांगनाओं ने अंग्रेजी शासनकाल में एक सुनहरा इतिहास लिखा था। द अमेजंस, लाइक अमेजंस कहते हैं वीरांगनाओं को, द अमेजंस लाइक किसकी तरह। दो हमारे पास एग्जाम्पल है, रानी लक्ष्मीबाई एंड चांद बीबी। दो तीन एग्जाम्पल हर जगह, ऐसा नहीं भर दिया, कई लोग भर देते थोक के भाव, कोई मतलब ही नहीं है। रानी लक्ष्मीबाई एंड चांद बीवी, एक दो एग्जांपल किसी भी घटना को करोबरेट करने के लिए। चांद बीवी क्या किया इन्होंने, हैड एनग्रेव्ड ए गोल्डन स्त्री, हैड इसको बीवी वी आई कर देना ठीक है, हैड एनग्रेव्ड, स्त्री हमेशा एंग्रेव होती है, मैंने कल भी कहा था राइट मत कर देना, रिटर्न मत कर देना, स्त्री हमेशा एंग्रेव होती है। द अमेजंस लाइक रानी लक्ष्मीबाई एंड चांद बीबी हैड एंग्रेव्ड ए गोल्डन स्त्री, हैड एंग्रेव्ड ए गोल्डन स्त्री, एक सुनहरा इतिहास लिखा था दो वीरांगनाओं ने। वीरांगना का मतलब होती है बहादुर महिलाएं, पुराने जमाने में रानी लक्ष्मीबाई, आज के जमाने में IPS ऑफिसर। ए गोल्डन स्त्री इन द इंग्लिश रेजिम, अंग्रेजी शासन में, रिजीम का मतलब केवल शासन, इन द इंग्लिश रिजीम, रिजीम शासन, रूल शासन, रेज शासन करना, रूल भी शासन करना। फिर क्या हुआ देखिए आप, इन द इंग्लिश रिजीम फिर क्या हुआ देखिए आप, और उन्होंने बेतुकी सामाजिक परंपराओं को ध्वस्त कर दिया था। दे हैड डेमोलिश अपशर्ट सोशल स्ट्रक्चर, बहुत अच्छा सेंटेंस, दे हैड डेमोलिश्ड, डेमोलिश्ड का मतलब बार बार आ रहा है ध्वस्त करना। दे हैड डेमोलिश्ड, किसको ध्वस्त किया था, बेतुकी सामाजिक परंपराओं को, अपसर्ड, अपसर्ड यानी बेतुकी, सोशियल सामाजिक किसको, ढांचे को, अपसर्ड टोटल ट्रेडिशन, सामाजिक परंपराएं तो ट्रेडिशन ले लो, ढांचा कहो तो स्ट्रक्चर ले लो, जो भी दिमाग में आए वो छाप डालो, रुकना नहीं है, बस टैंक को नहीं रोकना है, मतलब सबका एक है, वहां पर को अपने PhD नहीं करनी, वहां पर जस्ट अपन को अपना तीन ऐसे को बाकायदा कंटेंट के पैरेलल ले जाते हुए लिखना है, बस टैंक नहीं रुकना चाहिए, कंटेंट अपोजिट नहीं चलना चाहिए, और ग्रामर मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, आपके स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, बस ये आपका रूल है और कुछ नहीं है, और कंटेंट उसके पैरेलल, वो पैरेलल चलना चाहिए, ज्यादा ऊंचा भी नहीं, ज्यादा नीचा भी नहीं। आगे देखिए,
अपनी बहादुरी के कारण उन्हें इतिहास के पन्नों पर अमिट छाप छोड़ी थी। दे हैड लेफ्ट इंडेलिबल इंप्रेशन ऑन पेजेस ऑफ हिस्ट्री। दे हैड लेफ्ट छोड़ी थी उन्होंने, दे हैड क्या छोड़ी थी, अमिट छाप इंडेलिबल। लिखने से प्रैक्टिस बढ़ेगी, कंटेंट को घुमाना आएगा, और कोई मतलब नहीं है। इंडेलिबल इंप्रेशन, कंटेंट को गेम खेलना आ जाता है, कंटेंट का गेम ही तो और क्या है, इंडेलिबल इंप्रेशन। अमिट छाप छोड़ी थी कहाँ, इतिहास के पन्नों पर, ऑन पेजेस ऑफ हिस्ट्री। अपने आप जुबली हो रही है, जितना लिखोगे उतना आप एक्सपर्ट होते जाओगे। ऑन पेजेज ऑफ हिस्ट्री, लिखते लिखते खुद ही पता चल जाएगा क्या आना है, पेजेज ऑफ हिस्ट्री। और स्वतंत्रता संग्राम में बहादुर महिलाओं ने कंधे से कंधा मिलाकर, फिर हैविंग को बुला लो, हैविंग भाई साहब आना एक बार, क्योंकि दो घटनाएं हैं, हैविंग कंधे से कंधा मिलाओ, कैप्ट शोल्डर टू शोल्डर, यानी साथ चलना, लिखा हुआ है ना, तो वहां पे आपको याद आ जाएगा। जिंदगी में कभी लिखा ही नहीं तो फिर प्रॉब्लम हो जाती ही है ना। हैविंग कैप्ट शोल्डर टू शोल्डर, हैविंग कैप्ट शोल्डर टू शोल्डर, कंधे से कंधा मिलाकर, फिर क्या हुआ भाई साहब देखते हैं, कंधे से कंधा मिलाकर स्वतंत्रता संग्राम में बहादुर महिलाओं ने कंधे से कंधा मिलाकर इस द्रव्य में योगदान दिया था। देव योगदान, दे हैव, दे हैड दिया था, कॉन्ट्रीब्यूटेड, कॉन्ट्रीब्यूटेड, कॉन्ट्रीब्यूटेड इन दिस, धर्म युद्ध के लिए पहले बता चुका हूँ वर्ड, क्रूसेड, किसी भी अच्छे काम के लिए जो कोई भी नई शुरुआत की जाती है, अच्छे अभियान को क्रूसेड कहा जाता है। आप इस वर्ड को करप्शन भी यूज कर सकते हैं, आप इस वर्ड को फिटिसिड भी यूज कर सकते हैं, आप किसी भी अच्छे काम में कोई अभियान है, दैट इज नोन एज क्रूसेड, क्रूसेड में साथ दिया था। और हम सुनहरी भारतीय इतिहास की कल्पना महिलाओं के योगदान के बिना नहीं कर सकते, सीधी सी बात है, वी कैन नॉट इमेजिन द गोल्डन हिस्ट्री, धन्यवाद दे रहे हैं उनको, वी कैन नॉट इमेजिन, वी कैन नॉट इमेजिन द गोल्डन हिस्ट्री, द गोल्डन हिस्ट्री, हम सुनहरी इतिहास की कल्पना नहीं कर सकते, वी कैन नॉट इमेजिन द गोल्डन हिस्ट्री, इसके बिना, महिलाओं के योगदान के बिना, विदाउट वेमेंस कंट्रीब्यूशन, यदि वो होती नहीं तो आज हमारा इतिहास पन्नादार नहीं होती, तो आज ऐसा थोड़ी होता, हमारे ये नहीं होती जिसने जोर किया था, विदाउट वेमेंस कंट्रीब्यूशन, विदाउट वीमेन्स कॉन्ट्रीब्यूशन, महिलाओं के योगदान के बिना हम हमारी इंडिया की हिस्ट्री को कल्पना ही नहीं कर सकते। द अमेजन्स लाइक रानी लक्ष्मीबाई एंड चांद बीबी हैड एंग्रेव्ड ए गोल्डन हिस्ट्री इन द इंग्लिश रिजीम। दे हैड डेमोलिश्ड, ध्वस्त कर दिया था अवसर सोशल ट्रेडिशन, बेतुकी सामाजिक ढांचा। दे हैड इंडेलिबल इंप्रेशन, अमित शाह छोड़ी थी, दे हैड लेफ्ट, और करो पर मैं लिख पाया, दे हैड लेफ्ट, उन्होंने छोड़ी थी एक अमिट छाप। दे हैड लेफ्ट इंडेलिबल इंप्रेशन, एक अमिट छाप छोड़ी थी ऑन पेजेज ऑफ हिस्ट्री, इतिहास के पन्नों पर। हैविंग कैप्ट शोल्डर टू शोल्डर, कंधे से कंधा मिलाकर, पेस से पेस मिलाकर, कदम से कदम मिलाकर, हैविंग कैप्ट शोल्डर टू शोल्डर, दे हैड कॉन्ट्रीब्यूटेड इन क्रूसेड, धर्म युद्ध में साथ दिया था, उन्होंने पार्टिसिपेशन किया था, स्टैंड बाय किया था, कंधे से कंधा मिलाया था। तो वी कैन नॉट इमेजिन द गोल्डन हिस्ट्री, हम सुनहरे इतिहास की कल्पना नहीं कर सकते, विदाउट वेमेंस कंट्रीब्यूशन, औरतों के इस योगदान के बिना। सेंटेंस और कंटेंट बहुत अच्छा टर्न ले रहे हैं किसी भी वेमेंस रिलेटेड ऐसे में फायरिंग करने के लिए। आइए क्या फायरिंग करवाते हैं, वोकैब से गेम खेलना और कंटेंट से गेम खेलना हमारा आर्ट। देखिए, कोई देश प्रगति के पायदान पर कदम नहीं रख सकता, कोई भी देश प्रगति के पायदान पर कदम नहीं रख सकता, एनी कंट्री, Any country cannot प्रगति के पायदान पर कदम नहीं रख सकता, cannot, सीधा सा एक वर्ड लिख लो, ट्रेड, ट्रेड का मतलब ही कदम रखना होता है, ट्रेड यानी कदम रखना, या ये भूल जाओ तो फिर आप दूसरा यूज है, put its step, puts it, it's, मेरी आप ये भूल ही जाओ, दिमाग में नहीं आया तो पेन तो चलाना है ना, ये भी कर सकते हो, ट्रेड सीधा है कदम रखना, सब कुछ आ गया। Any country cannot treat or put this step, इस पर प्रगति के पायदान पर, on the rank of, rank होता है पायदान, पहली सीढ़ी,
पहला का नाम ऑन द रैंक ऑफ प्रोग्रेस, प्रगति के पायदान पर कोई भी देश आपका कदम नहीं रख सकता। कैसे? जब तक तहे दिल से एक नारी शक्ति का सम्मान ना किया जाए, जब तक तहे दिल से एक नारी शक्ति का सम्मान ना हो, जब तक की कंडीशन आपकी फॉलो होगी। रैंक का मतलब होता है पायदान, यानी रैंक यानी स्टेप। तो क्या कहा इसने, जब तक तहे दिल से एक नारी शक्ति का सम्मान ना हो, अनलेस ए वुमेन शुडंट बी, अनलेस ए वुमेन या शुड नॉट की जगह इसी का ले लो वुमेन, ए वुमेन नहीं हो, नहीं किया जाता है, इज नॉट एस्टीम्ड, एस्टीम्ड सम्मान ना किया जाता हो, इज एस्टीम्ड आएगा, नॉट नहीं आएगा अनलेस के वाक्य में, इज एस्टीम्ड, अनलेस आ गया तो नॉट की जरूरत ही नहीं है, नॉट शामिल है। अनलेस ए वुमेन इज एस्टीम्ड, जब तक एक औरत का सम्मान नहीं होता है, अनलेस के बाद नॉट आएगा नहीं, अनलेस ए वुमेन इज एस्टीम्ड, कैसे, तहे दिल से, दिल की गहराई से, ऐसे नहीं दिखावा, फ्रॉम बॉटम ऑफ हार्ट। लड़की होगी और थाली बजेगी, उस दिन समझ गए समाज बदल गया, फ्रॉम बॉटम ऑफ हार्ट। ऐसा नहीं लड़का हुआ तो थाली बजाओ, जिस दिन लड़की हुई थाली बजाई समझो समाज बदल गया, उसे दिल से स्वीकार करना पड़ेगा, और चेंज भी हुआ, ऐसा नहीं हुआ है लेकिन थोड़ा कम रेशो पर। एनी कंट्री कैन नॉट ट्रीट और पुट इज स्टेप ऑन द रैंक ऑफ प्रोग्रेस, कोई भी देश प्रगति के पायदान पर कदम नहीं रख सकता, जब तक ए वुमेन इज एस्टीम, जब तक ये औरत का सम्मान नहीं किया जाता, अनलेस के बाद नोट नहीं आएगा, फ्रॉम बॉटम ऑफ हार्ट, तहे दिल से, दिल की गहराई से, इंटरनल, दिखावा नहीं। फिर एक नारी एक आधुनिक और पारदर्शक समाज को नारी के प्रति भेदभाव, निरादर और हीन भावना का त्याग करना पड़ेगा। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट लाइन, अंडरलाइन कर लो। एक आधुनिक समाज को, ए हिटरोडॉक्स, मॉडर्न भी कर सकते हैं, ए हिटरोडॉक्स मॉडर्न, ये भूल जाओ तो मॉडर्न, ये भूल जाओ तो मॉडर्न भी चल जाएगा, किसा मॉडर्न है, हिट्रोडॉक्स रहने दो, मॉडर्न सोसाइटी है, हिट्रोडॉक्स है, एंड ट्रांसपेरेंट सोसाइटी, एंड ट्रांसपेरेंट पारदर्शी, ट्रांसपेरेंट सोसाइटी को क्या करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा वो देखिए आप, विल हैव टू गिव अप, ये तीन बार अच्छे से, विल हैव टू भविष्य काल की मजबूरी, विल हैव टू गिव अप उसे त्याग करना पड़ेगा, विल हैव टू गिव अप किस किस का, बहुत अच्छे से धीरे से शांति से, पहला भेदभाव का, डिस्क्रिमिनेशन, डिस्क्रिमिनेशन जो अपना जेंडर डिस्क्रिमिनेशन है उसको मिटाना पड़ेगा, सबसे पहला तो वो है। दूसरा ह्यूमिलिएशन, ये औरत है ये कुछ नहीं कर सकती, ऐसा नहीं है, ह्यूमिलिएशन को त्यागना पड़ेगा, डिस्क्रिमिनेशन को त्यागना पड़ेगा, एंड जो आपकी तुच्छ भावना है, जो हीन भावना है उसका, लड़की हो गई मेरे तो कर्म ही फूट गए, ऐसा नहीं होना चाहिए, इंफीरियर फीलिंग्स, तुच्छ भावना को किसकी तरफ, एक औरत के लिए, दिल से, दिल से ऐसा नहीं दिखावा, लेकिन हमारे समाज में क्या कहानी है वो देखिए आप, टुवर्ड्स ए वुमेन, एक औरत के प्रति जो उसकी हीन भावना है, अंतर है, ह्यूमिलेशन है, इन्फीरियर फीलिंग्स है, उसको त्यागना पड़ेगा, उसको गिव अप करना पड़ेगा, उसको शन करना पड़ेगा, उसको रिनाउंस करना पड़ेगा। क्यों? हमने पहले कह दिया, कोई भी देश प्रगति के पायदान पर कदम नहीं रख सकता, जब तक कि उसका सम्मान नहीं होता तहे दिल से, और ऑर्थोडॉक्स और मॉडर्न ट्रांसपेरेंट सोसाइटी विल हैव टू गिव अप डिस्क्रिमिनेशन, ह्यूमिलेशन एंड इन्फीरियर फीलिंग्स, भेदभाव, अपमान और तुच्छ भावना को, हीन भावना का त्याग करना पड़ेगा जो एक औरत के प्रति है। और आइए समापन करते हैं इसका एक अच्छे उसके साथ, हमारा लास्ट पैराग्राफ आज का, गिव अप करना पड़ेगा डिस्क्रिमिनेशन को, गिव अप करना पड़ेगा ह्यूमिलिएशन को, और देखिए एक दिखावा प्रिय समाज दोनों हाथों में लड्डू नहीं रख सकता, देखने में कुछ और, दिखावा प्रिय को फ्लैम्बोयंट पहली बार आ रहा है, थोड़ा सा अच्छे से ले ले, फ्लैम्बोयंट दिखावा प्रिय, आडंबर प्रिय, फ्लैम बॉयंट सोसाइटी, एक दिखावा प्रिय समाज क्या नहीं कर सकता है, दोनों हाथों में लड्डू नहीं कर सकता है, भाषण तो दे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और दिल में कुछ और,
भ्रूण हत्या का सहारा ले रहा है, ऐसा नहीं करना है भाई, ऐसा नहीं कर सकता है। कैन नॉट, दोनों हाथों में लड्डू रखना, होल्ड द स्टिक विथ बोथ साइड, होल्ड द स्टिक विथ बोथ साइड्स, दोनों हाथों में लड्डू नहीं रख सकता। एक आपका आडंबर प्रिय समाज, एक दिखावा प्रिय समाज, ए फ्लैम्बॉयंट सोसाइटी कैन नॉट होल्ड द स्टिक विथ बोथ साइड, दोनों हाथों में लड्डू नहीं रख सकता। तो एक नारी को अबला होने का कटाक्ष किया जाता है कि अबला है, वो कमजोर है। ए वुमेन इज टॉटेड विथ, फिर पैसे में जाइए आप, ए वुमेन इज टॉन्टेड विथ, पैसे में आप टॉन्टेड विथ, अबला होने का वनरेबल, अबला का एक पर्टिकुलर वर्ड है वनरेबल, इसे वीक वीक बोल के थोड़ा सा कमजोर मत कर देना। औरत को यदि अबला बोलो अंग्रेजी में तो वनरेबल ही बोलना है, अच्छा लगता है, वीक बोलकर वो अबलावर जो बोल रहे हैं ना वो पूरी कहानी खत्म हो जाती है। एंड और क्या है, एक नारी और पुरुष एक दूसरे के पूरक हैं। देखिए आप, ए मैन एंड वुमेन आर कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ ईच अदर, मैन एंड वुमेन आर एक दूसरे के पूरक हैं, एक दूसरे के बिना अधूरे हैं, आर कॉम्प्लीमेंट्री, कॉम्प्लीमेंट्री ईच अदर, एक दूसरे के पूरक हैं, एक दूसरे के बिना फ्रेगमेंटेड हैं, एक दूसरे के बिना अस्तित्व नहीं है, आपके अस्तित्वहीन है। क्या मतलब है, एक दूसरे को पूरा करते तभी आपका जो है एक पूरा समाज बनता है। उसको सरोगेसी में भी ये वर्ड घूमेंगे, इसलिए मैंने कहा सरोगेसी को पहले उठाते हैं। और देखिए लास्ट की लाइन, अर्धांगनी मात्र एक शब्द नहीं है बल्कि अपने आप में एक अद्भुत सृष्टि है। बहुत प्यारा वर्ड कि अर्धांगनी केवल वर्ड नहीं है, बेटर हाफ, उसे इज्जत भी देनी पड़ेगी, उसे गरिमा भी देनी पड़ेगी। बेटर हाफ इज नॉट ए वर्ड, अर्धांगनी एक शब्द नहीं है बल्कि वाइल, देखो कितना प्यारा वर्ड आ रहा है, वाइल, जबकि इट इज ए अद्भुत कृति है, अद्भुत सृजन है, अद्भुत निर्माण है, अद्भुत आपकी सृजन है, सृष्टि है, कुछ भी है। दिस इज ए डिवाइन, डिवाइन क्रिएशन, बहुत प्यारा वर्ड हिंदी में, बहुत प्यारा वर्ड इंग्लिश में, डिवाइन क्रिएशन है, बहुत अद्भुत कृति है इन इटसेल्फ, अपने आप में। आप इसको एक शब्द नहीं कह सकते कि साहब ये तो एक शब्द है अर्धांगनी, ऐसा नहीं, आपने बोला भी नहीं अर्धांगनी है, तो आपको इस वर्ड के साथ बहुत कुछ देना है, इज्जत देनी है, उसका स्टेटस देना है, बहुत कुछ देना है। यदि मेरी अर्धांगनी है बोल के आप जिसे कहते हैं बोझ उतार लिया, नो, बेटर हाफ इज नॉट ए वर्ड, अर्धांगनी अपने आप एक शब्द नहीं है, वाइल इट इज ए डिवाइन क्रिएशन, डिवाइन क्रिएशन एक अद्भुत कृति है, सृष्टि है, निर्माण है, सृजन है इन इटसेल्फ। तो हमने कहा लास्ट पैरा में, ए फ्लैम्बॉयंट सोसाइटी दिखा प्रिय समाज कैन नॉट होल्ड द स्टिक विद बोथ साइड, दोनों हाथों में लड्डू नहीं रख सकता, दोनों हाथ साइड से बात नहीं कर सकता, डबल क्रॉस नहीं कर सकता, डबल मेंटेलिटी नहीं हो सकती। ए वुमेन इज टॉन्टेड विद वनरेबल, उसे बुलाने का टॉन्ट किया जाता है, दूसरी तरफ आप कहते हो नारी शक्ति है, दुर्गा का अवतार है डबल क्यू, मैन एंड वुमेन आर कॉम्प्लीमेंट्री ईच अदर, आदमी औरत एक दूसरे के पूरक हैं, बेटर हाफ इज नॉट ए वर्ड, अर्धांगनी अपने आप में शब्द दी है, वाइल इट इज डिवाइन क्रिएशन इन इटसेल्फ। क्लियर आज का? बिल्कुल अशोक क्लियर, चलिए टाइम ये रख लेगा रोज का, सुबह वाला रखें, ये वाला ठीक है, उसमें क्या मैं सुबह ऐसे तैयार कर लूं फटाफट, चार तीन चार ऐसे होना है, तो बुक्स वगैरह वो है मेरी, और कोई दिक्कत हो तो बोलो, सुबह वाला रख लें।